श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम हमारे देश में बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। यह हमारे देश के महानतम संतों में एक है। रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो ये थी कि वो जो बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज थे उनको बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझाते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की हत्या तक कर रहे हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने हमें समझाया कि कैसे एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कल्पना करिए कि एक कोई लेक है, एक कोई झील है जिसके बहुत सारे घाट हैं। अब एक हिंदू आता है और उस झील से कुछ पानी लेता है और वो कहता है कि ये जल है। एक मुसलमान आता है, वो भी कुछ पानी वहां से निकालता है और वो उसको कहता है ये पानी है। और इसी तरीके से एक क्रिश्चियन आता है, वो कुछ पानी वहां से निकालता है और वो ये कहता है कि ये वाटर है। तो दोस्तों, जल, पानी या वाटर अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो चीज है, जो कंटेंट है, वो एक ही है। इसी तरीके से ईश्वर के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, भगवान के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। उसको हम अल्लाह कह सकते हैं, उसको हम ईश्वर कह सकते हैं, उसको हम ईशु कह सकते हैं, लेकिन वो सब एक है। हमारी परंपराओं में हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। दोस्तों, ये सन्मति हमें बना के रखनी है। हमें धर्मों के नाम पे लड़ना नहीं है। दोस्तों, हमें ये समझना है कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, ईश्वर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, ईश्वर की पूजा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। और जब हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं तो हम आपस में क्यों लड़ें। ये द्वेष और नफरत किसी के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो हमें धर्म के नाम पे लड़ना बंद करना होगा। जब हम नफरत को हटाएंगे तभी हमारे देश में शांति आएगी, और जब हमारे देश में शांति आएगी तभी हम एक साथ मिल करके काम कर पाएंगे, और जब हम एक साथ मिल करके काम करेंगे, एक साथ मिल करके रहेंगे, तभी हमारा देश जो है तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव हो सकती है और हम सब एक खुशहाली की जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम धर्म के नाम पे नहीं लड़ेंगे, और जो लोग भी धर्म के नाम पे लोगों का बंटवारा करते हैं उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, और हम आपस में प्रेम और सद्भाव बना करके रहेंगे, क्योंकि इस देश को आगे ले जाने का और इस दुनिया को आगे ले जाने का यही एक तरीका है, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो चलिए, हम आपस में जो नफरत है उसको हटाएं और प्रेम जो है इस देश में और इस दुनिया में फैलाएं।